पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने जिले वासियों को रिंग रोड समेत कई बड़े पुलों का सौगात दिया। मोती झील पूजा बाजार के विकास कलेक्शन में किलर रेंगलर समेत सभी ब्रांडों पर 20-30% की विशेष छूट। मुजफ्फरपुर को पथ निर्माण विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने सौगात देते हुए ब्रिज और रिंग रोड निर्माण की बात कही। कई वर्षों से अड़ाई प्रखंड की जनता इस आस में थी कि कब ब्रिज का निर्माण होगा और आवागमन का साधन बनेगा। जिले में शनिवार को मंत्री ने समीक्षा की। इस दौरान भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय और बीजेपी जिलाध्यक्ष रंजन कुमार मौजूद रहे। पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, कई बिंदुओं पर समीक्षा भी हुई। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि औराई प्रखंड स्थित अतरार में बभनगामा तक ब्रिज का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा मुजफ्फरपुर का अपना रिंग रोड हो, इस पर भी विचार हुआ। कांटी बखड़ी दिघरा होते हुए NH-57 तक रिंग रोड बनेगा। इसका DPR तैयार कर केंद्र को प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इसके साथ जगन्नाथ मिश्रा पथ में ब्रिज को लेकर जो पेच फंसा हुआ था उसे भी क्लियर किया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण की समस्या के कारण निर्माण कार्य अटका हुआ था, इस बिंदु पर चर्चा हुई। पुल निर्माण विभाग के अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अप्रैल तक कार्य पूरा हो जाएगा। शहर में जो नाला निर्माण हो रहा है उसमें गुणवत्ता का पूरा ख्याल रखा जाएगा, साथ ही सड़क के चौड़ीकरण पर भी विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। तकड़ी मोड़ से उसको कहाँ पर जो सुधा डेयरी मिल्क का जो सेंटर है वहाँ तक वो लोग मार्च तक कंप्लीट करने की योजना दिए हैं और उसके आगे NH कितना है वहाँ तक NH-57 उसको भी वो लोग इस वर्ष के समाप्ति तक कंप्लीट करेंगे। तो वो पूरा जो हम लोग का NH-57 का काम चल रहा था उसको भी स्पीड अप करने की योजना का जानकारी हम लोग चर्चा किया और उसको समीक्षा के दौरान स्पष्ट हुआ है कि इसको भी उस समय तक पूरा करना है। तो ये सारी बातें आज समीक्षा बैठक में, बाकी एक एक रोड की हम लोगों ने समीक्षा की है जो LWE के अंतर्गत या हो या राज्य योजना के अंतर्गत जो बन रहे हैं, जहाँ जहाँ पर कमियाँ नजर आई हैं उस पर उस तरह का निर्देश दिया गया है और हम लोगों ने बाकी चीज़ों को उनको कहा है कि समयबद्ध तरीके से काम करने का। हम लोगों ने जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम होता था वो अब कोई फाइल अब मुख्यालय स्तर पर नहीं जाता है, अब किसी को भी टाइम एक्सटेंशन देना है तो इंजीनियर और एजेंसी दोनों को यहीं पर तय करना है और उसकी जवाबदेही भी उन पर ही तय होगी। अगर कोई टाइम लिमिट पार करता है तो अभियंता भी उसके लिए दोषी पाए जाएंगे और साथ में एजेंसी पर भी कार्रवाई होगी। तो दोनों ही चीज़ों को हम लोगों ने, पहले ये नियम था कि ये पूरे चीज़ें मुख्यालय स्तर पर जाती थी, तो पिछले 2 महीने पहले हम लोगों ने इसको परिवर्तित किया है और हम लोगों ने स्पष्ट किया है कि जो अभियंता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और एजेंसी तय करे और उसके बाद भी अगर काम में डिले होता है तो उसकी पूरी जवाबदेही कार्यपालक अभियंता और एजेंसी पर साथ में तय की जाएंगी। तो ये सारे निर्देश अभियंताओं को भी दिए गए हैं और हम लोगों ने चाहे मुजफ्फरपुर 1 हो या मुजफ्फरपुर 2 दोनों के डिवीजन की समीक्षा की है और ये सारी बातें उनको बताई गई हैं और अगले 1-1.5 महीने में कुछ और योजनाएं जो कंप्लीट होंगी तो बहुत जल्द हम लोग कुछ योजनाओं का उद्घाटन और कुछ शिलान्यास करने के लिए आएंगे।